जय हिंद एवरीवन। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग, और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। ठीक है, और काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ रहा है मेरा। ठीक है, कारण रीज़न एक ही है भाई, मेरा जिंदगी का असली मकसद है सिर्फ और सिर्फ वर्दी को हासिल करना। ठीक है, तो इसीलिए उसी चीज़ के लिए मैं बिजी हूँ, उसी चीज़ के लिए तैयारी चल रहा है। ठीक है, बाकी दूसरे लोग अपना अपना जो लाइफ का जो मकसद है वो चेंज कर चुके हैं, तो उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, इसीलिए मेरा जिंदगी का असली मकसद है सिर्फ और सिर्फ वर्दी को हासिल करना, उसके कारण मैं व्यस्त हो चुका हूँ, इसीलिए मेरा वीडियो रेगुलर नहीं आ रहा है। मैंने सोचा एक बार वर्दी हासिल हो जाएगा तो वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं मेरा भाई। इसीलिए थोड़ा सा बिजी हूँ, व्यस्त हूँ। ठीक है, तो पढ़ाई वढ़ाई भी व्यस्त हूँ, उसके बाद अभी रमजान महीना भी चल रहा है, तो रमजान के बाद मैंने सोचा ग्राउंड के चक्कर काटूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल ग्राउंड के चक्कर बंद कर दिया मैंने, ग्राउंड पे नहीं जा रहा हूँ। रमजान के बाद, ईद के बाद ही मैं जाऊंगा ग्राउंड पे। ठीक है, वहाँ मस्त तैयारी करूंगा, मतलब जैसे तैसे करके यार जिंदगी में सक्सेस होना है, नहीं तो साला कोई इज्जत ही नहीं करता यार। ठीक है, कोई साला 2 पैसे का इज्जत भी नहीं देता है। ठीक है, तो जिंदगी में सक्सेस बनना है। ठीक है, परमानेंट सक्सेस बनना है, ये टेम्पोरारी सक्सेस नहीं बनना है। ठीक है, बनना है तो परमानेंट बनना है यार। ठीक है, तो आप लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा दोस्त, अगर आप लोग आपके पास उम्र है, ठीक है, और आपके पास समय है, तो सक्सेस बन जाओ मेरे भाई, नहीं तो बहुत पछताओगे लाइफ में। ठीक है, बहुत ज़्यादा पछताओगे, एक बार उम्र निकल जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा पछताओगे। तो इसीलिए अगर आपके पास उम्र है, समय है, तो भाई तैयारी में लग जाओ। ठीक है, टाइम पास मत करो। ठीक है, मेहनत करने के बाद अगर ना मिले तो वो अलग बात है, लेकिन बिना मेहनत से अगर ना मिले तो पूरी ज़िंदगी भर हम पछताएंगे। मैं खुद की बात कर रहा हूँ, अगर इस तरह से मेहनत में अगर 2-3 साल पहले कर लेता, शायद आज मैं वर्दी में होता, लेकिन पीछे कोई नहीं था। ऐसे मैंने बोला था ना कि मेरे पीछे गाइडेंस देने के लिए कोई नहीं था, जो भी किया अपने मर्जी से किया, जो मुझे पता था मैंने वही किया। लेकिन आजकल तो देखो यार, सब लोगों के पास मोबाइल है, ठीक है, सब यूट्यूब में देख रहे हैं, सब पता लग जाता है। ठीक है, लेकिन मैंने जब तैयारी शुरू किया तो उस टाइम मोबाइल ना मेरे पास मोबाइल था अच्छा वाला, ठीक है, और ना ही कोई जानकारी था, ना ही पीछे से कोई बोलने वाला था, और कोई ऐसा जानकारी वाला बंदा भी मेरे पास नहीं था। ठीक है, जो भी होता था बस हम करते थे यार, उतना हमको मालूम नहीं था कि रिटेट के भी ऐसा तैयारी करना पड़ता है, वैसा करना पड़ता है। आजकल तो मैंने ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर लिया, पैसा से मैंने सब कुछ ले लिया है क्लास वगैरह। ठीक है, उस टाइम ऐसा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए मेरे भाई मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप लोग तैयारी पर ध्यान दीजिए, है ना, सक्सेस बन जाइए। ठीक है, नहीं तो यार सब बेकार बोलेंगे, चुतिया बोलेंगे सब लोग। ठीक है, तो चलते दोस्तों, अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखें, अपना परिवार का भी ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।